हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन राइज इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश कंपलसरी का सॉल्यूशन और ये पेपर हमें अजमेर से भेजा है लेखराज ने तो आइए करते हैं फटाफट से सॉल्यूशन सेक्शन ए जिसमें रीडिंग सेक्शन है अनसिन पैसेज दिया हुआ है रविंद्रनाथ ठाकुर वाज़ बॉर्न इन कलकत्ता ऑन मई सेवन 1 तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चंस दिए हम सीधे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और वैसे मैं बता दूं कि हमने जो मॉडल पेपर किया था उस मॉडल पेपर में हमने एक पैराग्राफ दिया था ये जो आपके एग्जाम में पूछा गया सेम टू सेम और इसको हमने उसी समय हल करवा दिया था इसके सारे क्वेश्चंस हमने हल कर दिए थे पूरा का पूरा सेम पैराग्राफ यहां पर आया है तो पहला प्रश्न है वाई वॉज रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि को वापस क्यों दे दिया था तो ये इसका राइट आंसर रहेगा कि 1919 uh, 19 में जो जलियावाला बाग कांड हुआ था ना रविन्द्र नाथ ठाकुर वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट एंड पैट्रियट ही फाइल सो बीटर अबाउट द जलियावाला बाग ट्रेजडी इन 1919 नाइनटीन दैट एज अ प्रोटेस्ट ही गिव अप द नाइटहुड तो इन्होंने उसके विरोध में जलियावाला बाग कांड के विरोध में उन्होंने उसको जो है वो गिव अप कर दिया था सेकेंड so, नंबर है वेन एंड वेयर वॉज ही बॉर्न तो ही वॉज बॉर्न इन कैलकता यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है ठाकुर मई तो तो ये आपका का आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन पर है. इन्होंने गीतांजलि लिखी थी और इसका ट्रांसलेशन किया था इन्होंने इंग्लिश में. ठीक है? गीतांजलि इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई रविंद्राथ हिमसेल्फ हिम इन प्राइज इन लिटरेचर

इसके हम आंसर कर लेते हैं पहला पैसेज आप पढ़ लीजिएगा विच सिटी इज बिलीव्ड टू तो बी द साइट इंद्रप्रस्थ तो यहां पर आंसर है डी दिल्ली एंड एट नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज हस्तिनापुर मेन हस्तिनापुर का मतलब था एलिफेंट सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द एंटोनिम फॉर माइनर माइनर का एंटोनिम बिलोम शब्द ढूंढना है तो इसका एंटोनिम होता है मेजर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड फॉर अ बुक दैट इज वेरी लॉन्ग एंड एक्साइटिंग तो इसी इपिक बोलते हैं महाकाव्य ओके राइटिंग सेक्शन में ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा हम करते हैं आगे और ग्रामर सेक्शन करेंगे सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड्स वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है माई सिस्टर वॉज सिटिंग

लाइट एंड स्लेप्ट लाइट को बंद करना पुट uh, जो वर्ब यहाँ पर वर्ब दी हुई है सिर्फ रेजल वर्ब बना करके यहां पर फील करना है तो सीता ने लाइट बंद करी और उसके बाद सो गई तो आएगा यहाँ पर पुट ऑफ पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना सेकेंड नंबर है द कार इन द वे ब्रेक अब कार रास्ते में रुक गई इन द वे रास्ते में कार रुक गई तो इसको बोलते ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी व्हीकल का बीच रास्ते में अचानक से रुक जाना तो आएगा द कार ब्रॉक ऑफ इन द वे नेक्स्ट सिक्सटीन का है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है पीपल देट आर जेलस कैन नेवर बी हैपी पीपल हु ओके इसमें आएगा रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा हु एंड नेक्स्ट है सेकेंड नंबर ही विल कम ही गेट्स टाइम ही विल कम वैन वैन जब भी उसे टाइम मिलेगा तो वो आ जाएगा ठीक है तो ये हमने कर दिया सोल्यूशन ये कुछ बड़े क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा थैंक यू